एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर क्यों टीरू वालों की जीजी बार बार हर्ट हो जाती है। मतलब जब वो ससुराल में थी तो सास से हर्ट हो जाती थी, कागजी पति से हर्ट हो जाती थी, कभी कभी ननद से भी हर्ट हो जाती है ना, और तो और रिश्तेदारों से भी हर्ट हो गई है। तभी तो डीवी वाले केस में रिश्तेदारों के नाम, आस पड़ोसी के नाम भी डाले गए थे, है ना। हाँ, बाद में हटा दिए गए, वो अलग बात है। पर ये बार बार हर्ट होना, हर किसी से हर्ट होना, चलो ससुराल तो ससुराल, अब मायके में भी हर्ट हो रही है। अब मायके में किससे हर्ट हो रही होगी? डीजे मी से? नहीं नहीं, पिपर से? नहीं नहीं, फूलों से, पत्तियों से, दीवारों से? किन से हर्ट हो रही है? ओ हो, अच्छा जी, अक्सर ये जो टीरू वालों की जीजी है, ये घर वालों से नहीं, बल्कि जो आउटसाइडर होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं परिवार में सम्मिलित हुए होते, उनसे हर्ट हो जाती है ना। आपको पता ही होगा किसकी बात कर रही हूँ मैं, किससे पहले हर्ट हुई थी, कौन परिवार का हिस्सा नहीं थे, है ना। नहीं, एक इंसान को छोड़कर, है वो बहुत फादर फिगर है, ब्रदर फिगर है, परमात्मा फिगर है। हाँ जी, हाँ जी, मैं पिसड्डी की बात करी, उससे हर्ट नहीं होती है, वो तो भी इनका करता धरता सब कुछ है, तो वो गलत नहीं हो सकता। बाकी जो है, कोई भी बाहर से इनके साथ जुड़ता है, चाहे फिर उनके साथ उनका कोई एक खास रिश्ता क्यों ना बन जाए, लेकिन हर्ट हो जाती है दीदी, बड़ी हैरानी की बात है। अभी है टीरू वालों की जीजी की हर्टिंग और हमारे पीपड़ की एक्टिंग, दोनों की बात करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? मतलब राम राम बच्चा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है भाई। दादी को थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि मैं इसी उधेड़बुन में थी कि आखिर हुआ क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है अचानक से। क्योंकि दो चार दिन पहले तो जो टीरू वालों की जीजी थी वो इमोशनल थी, है ना, लेकिन उसके बाद फिर आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। हालांकि मैंने कहा भी था, मतलब भाई मैं तो कह ही रही थी कि टीरू वालों की जीजी का वही हाल है, पेड़ के पीछे पली रील जो है, एक तरफ तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां वो वाला हाल है। मतलब आज ये आपको दुखी दिखेगी तो कल आपको खुश दिखेगी, और अब हर्ट होती हुई दिख रही है। है भाई, मैं हर्ट हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं, लेकिन मैं अभी बताऊँगी नहीं, अभी एक और एपिसोड निकालूंगी, एक और तमाशा लेके आऊँगी, थोड़े से और डॉलर कमाऊँगी, तब आपको बताऊँगी। है हालाँकि ये हर्ट है कि नहीं है, परेशान है कि नहीं है, तो क्लियर नहीं, क्योंकि इनके तमाशे चले रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो चुकी है, वो है दुपट्टा का रोना धोना, क्यों रोई और वो स्टेटमेंट क्यों हड़बड़ाहट में दी, है ना। मतलब है उसको भी आए हुए इस घर में 7-8 महीने हो चुके हैं, तो वो अच्छे से इनको समझ चुकी है ना, नहीं कह सकती है, या जो कई बार कहा भी होता है ना, वो एडिट कर दिया जाता है पीपड़ के द्वारा, और कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि कैसे शातिर टाइप के लोग हैं। जब उसके रहते ही ये इतने तमाशे करती है, ये जो छोटी पूतना है या रंगीली वाला है, तो जब वो वहाँ मायके रहेगी, जब वो क्या नाम यहाँ नहीं होगी, तब ये क्या क्या नहीं करेंगे। और सेम चीज़ इन्होंने करना भी शुरू कर दिया है, तमाशे, ड्रामे कहीं ना कहीं। और देखिए, उसको ये भी समझ में आ चुका है कि जो ये इसका पीपड़ है ना, इसका जो पति है दुपट्टा का, वो भी बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भी डिपेंड ही रहना है, उसको अपनी बहनों पे डिपेंड रहना है, अपनी माँ पे तो डिपेंड है ही, वो पेंशन का है ना, सारा राशन भारी उसकी पेंशन से, राशन पानी उसकी पेंशन से आता है। बाकी आज तमाशे में उसके जो है चिंटुआ ज़्यादा करता दिखा वो, फिर से वही ड्रामा, ये दिखा नहीं सकता, तो नाम सुना कैसे भी, उसको तो प्यूस लेने होते हैं। मैंने कहा ना, वो बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है दुपट्टा को भी फील हो चुकी है, उसको ये एहसास हो चुका है कि अगर जब तक मैं लोगों को खुश रखूंगी ना, सारे घर वालों को, तब तक मेरा जो है ये बिना रीढ़ हड्डी के आदमी भी खुश रहेगा, वरना मेरा रिश्ता जो है वो सेफ नहीं है। और इसी इनसिक्योरिटी में जाने अनजाने में बेचारी पता नहीं क्या बोल गई है ना उसने, हालांकि कुछ खास नहीं बोला था, यही बोला था ना कि खाना, उसके खाना खाने पीने की चिंता होती है, बाहर का खाता है, ये वो है, तो वैसे गलत भी नहीं बोला है। जो ये कुछ मिर्ची लगने वाले लोग हैं, जिनको जल्दी मिर्ची लग जाती है, जो चिलम चाट है, या जो जीजियों की अपनी फेक आईडीज होती हैं, है उनसे वो मतलब भारी भारी से है ज्ञान देने आ जाते हैं लोग कि भाई उसकी माता पहले भी थी, वो खाना भी देती थी, उसकी बहन है, ये है वो है, तो भाई माता क्या खाना देती थी क्या नहीं हमें पता है ना। ये जब भी पिछली बार भी गई थी, एक बार पहले भी गई थी, तो मैगी शगी बना था, खाना तक नहीं बना था, सब्जी तक नहीं बनी थी, और जब वो इवन जो समधी आई थी इनके घर में, तो बेचारों ने खुद बना के खाया था। तो ऐसे खाना बनाते हैं ये लोग, तो भाई कहीं ना कहीं उसने सच्ची बात बोली, झूठ तो बोला नहीं, लेकिन उसकी जो बात थी ना, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग, डीप मीनिंग कुछ और था, है ना। वो कहीं ना कहीं परेशान थी, इनसिक्योर थी, इनसिक्योर है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जब हम इतनी दूर से सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, और अब तो जनता जनार्दन भी सब कुछ जानती है, बताने की जरूरत ही नहीं होती,
तो भाई जिसको रहते हो 7-8 महीने हो गए, हालांकि पहले वो कहते हैं धूल के ढोल सुहावने थे, जब तक वो शादी करके यहाँ नहीं आए थे तब तक उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, उसको समझाया भी गया था लेकिन वो नहीं माने, उसको लग रहा था कि जिंदगी यही बस घूमना फिरना है ना, ब्लॉगिंग ये सब है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये इतने शातिर टाइप के लोग हैं, इनके साथ रहना सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन उसको धीरे धीरे अब एहसास हो रहा है, उसकी सेहत बताती है, ये कोई डाइटिंग शाइटिंग खाने पीने का असर नहीं है जो उसके चेहरे पर है, वो एकदम सी डलनेस सी कमज़ोर हो रही है, मतलब एक चुलबुली सी जो हमने दुपट्टा देखी थी ना शुरू शुरू में वो वाली दुपट्टा अब ये नहीं है, तो आपको क्या लगता है? वो देखो ये उसको बेचारी हो तो कहीं ना कहीं फिर भी छुपाने की कोशिश करती, नहीं बताती, लेकिन ये पूतना इसके पेट में खाना कैसे पचेगा जब तक ये उल्टी नहीं मार देती है सारी बातों की, है ना, कि ये हुआ वो हुआ गड़बड़ तो कुछ है, कहीं ना कहीं इशारों इशारों में नहीं समझा देती है। अब देखते हैं कि ये जो बताने वाली है कि किस चीज़ से हार्ट हुई, ये बताती है कि नहीं बताती है, या फिर ये एक तरह की धमकी ही है दुपट्टा को कि जो तू मुंह फाड़ रही है ना उसको सोच समझ के फाड़, वरना मैं सब कुछ यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे बता दूंगी और मेरे चिलम सारे आ जाएंगे तुझे नोच के खाने के लिए, फिर है ना नोच के खाने तो आते हैं चिलम से, मतलब कुछ ऐसे लोग, जनरल लोगों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग जो मतलब लोग देखते हैं इनको कुछ समझदार भी हैं, मैं नहीं बोलती कि जो इनको पसंद करने वाले वो सब बेवकूफ़ी हैं, कुछ समझदार हैं वो बातें भी करते हैं समझदारों वाली, कई बार इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ना चिलम चाट जिनको बस हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी करना होता, फिर वो अगर उन चिलम्स को जरा भी लगता है कि भी दूसरा कोई इनकी पोल खोल रहा है तो उसको भी नोच खाने को तैयार हो जाते हैं, तो वैसे ही उस बेचारी दुपट्टा को भी नोच खाने को तैयार हो गई चिलम, पता नहीं क्या क्या कमेंट में लिख दिया है ना, हालांकि उसने सिंपल सी एक छोटी सी बात बोली थी जो कि कहीं ना कहीं उसका डर था, उसकी इनसिक्योरिटी थी और जो दिखता भी है नज़र भी आता है। चलिए खैर इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बेचारी दुपट्टा, क्योंकि उसने खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, या यूँ कहें कि कुल्हाड़ी पे ही पैर दे मारा है, क्योंकि उसको बहुत समझाया गया था, उसको इवन इस सोशल प्लेटफॉर्म से भी समझाने के लिए लोगों ने बहुत है ना कोशिश करी, उसके घर वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, जो अब दादी अब बहुत कम शम आती है उनके घर में, उसने बहुत समझाया था, लेकिन इसको तो भाई कुएं में छलांग मारनी थी सो मार दी, तो अब वही है ना कि अब पछताए होते के जब चिड़िया चुगेगी, पर फिर भी भाई उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे उसको, क्योंकि जो चिलम्स को लगता है ना कि हम हमेशा औरतों के खिलाफ होते हैं, बिल्कुल नहीं, हम औरतों या मर्दों के खिलाफ नहीं हैं, हम बुराई के खिलाफ है और सच के साथ है। चलिए ये जो चीज़ें हैं वो चलो नौटंकी ड्रामा जो भी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, एक तरफ जो ये छोटी पूतना ही कह रही थी कि भाई मैं शाम को आई हूँ अपने घर ऊपर के घर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि पूरा दिन मेरे को काम टाइम ही नहीं लगा, इतना काम था मतलब कि सारा है ना घर का नीचे झाड़ू पोछा खाना पानी इसने करा, इसलिए इसको टाइम नहीं लगा, और ऊपर आके फिर दूसरी तरफ जिस दिन चने बनाए हैं वो उसी दिन की बात कर रही हूँ, उस दिन इसको टाइम नहीं लगा था, उसी दिन कहना पीपड़ कह रहा था कि भाई सुबह के चने, जो सुबह ही खैर चावल और चने बना दिए हैं ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा रंगीली वाला ने किया, सारा साफ सफाई रंगीली वाला ने की है, और दोपहर को सब्जी सब्जी कुछ भिंडी काट रहा था तो वो बना रहा था कहीं शादी से आके कहीं से, है ना, और उसके बाद शाम का खाना भी जो है डीजे में बना रही है, तो भाई ऐसा मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का काम, ये काम तो सच में बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये एक तरफ वो छोटी पूतना करके सारा काम गई ऊपर, उसके बाद डीजे में सारा काम करी, भाई इनके घर में ऐसा क्या काम है जो मतलब काम होने के बाद फिर से पैदा हो जाता है, झाड़ू पोछा करके कोई जाता उसके बाद फिर से झाड़ू पोछा देने लायक हो जाता, भाई बड़ा ही कन्फ्यूजन है, मतलब सारे इसके सारे काम ही हैं इनके घर में पर फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं देता है जी, बड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए वैसे भी कंट्रोवर्सी कुछ ख़त्म ही हो गई थी इनके घर में, तो नया तमाशा तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ये कई बार कंट्रोवर्सी ना क्रिएट भी की जाती है जानबूझ के, है ना, तो ये जो हो सकता है जो दिख रहा है वो असल में ना हो ये भी हो सकता है, भाई दादी आपको दोनों तरफ के ऑप्शन बताती है, दोनों चीज़ें बताती है कि ये वाकई में हो भी सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है, कि सारा ये सिर्फ दिखाने के लिए है, उधर से खुद जानबूझ कर ऐसी बातें बुलवाई गई हूँ ताकि लोग जो रिएक्ट करें, और लोगों के रिएक्शन के बाद फिर ये छोटी पूना रिएक्ट करे और फिर आपस में फिर से वो लड़ाई झगड़े वाला सीन क्रिएट किया जाए ना, कुछ भी कहे होने को कुछ भी हो सकता है, भाई ये डीजे टब्बर है यहाँ कुछ भी हो सकता है, चलो जो भी है वो हमारी जो है ये दूरदर्शी नज़रों से छुपा नहीं रह सकता, वो हम आपके सामने लेके ही आएंगे इनके ड्रामे जो भी होंगे, पर एक चीज़ तो है भाई, हैं तो शादी लोग, अब इसमें तो कोई खैर कोई दो राय नहीं, और जैसे छोटी पूतना लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है ना कि लोगों ने मेरा घर बर्बाद किए, तो मैं बात फिर से ये कहूँगी कि तुम्हारे घर में कोई भी नहीं गया था छोटी पूतना, तुम तमाशे बनाओ अपनी ज़िंदगियों के तमाशे बनाकर बेचो, तुम ये भी उम्मीद करो कि तुम्हें लोग देखें खरीदे उसको, है ना, कहीं ना कहीं तुम्हें डॉलर तुम्हें बनाने में तुम्हारी हेल्प करें और कुछ बोले भी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो
वैसे मुझे पता है कि ये जो है ना, क्योंकि वहाँ बड़की जीजी भी जो है, वो मेरी बड़की पोत ना, वो भी अब सब्सक्राइबर को क्या बोलते हैं उसको सुनाने में लगी हुई है, तो भी इसने भी कहीं ना कहीं कॉपी कुछ करना ही होता, तो इसका भी वो ड्रामा स्टार्ट हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स है। चलिए भाई, आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो वीडियो अभी देख रहे हैं उसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, राम राम।